बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर इलाके के नर्सरी जंगल के पास हजारों की तादाद में फलदार पेड़ लगे हुए हैं। वहीं सैकड़ों पेड़ों के बीच एक कर्ण प्रजाति के वृक्ष से फुहारे रूपी पानी निकलने लगा। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। पेड़ हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है, अगर ये ना हो तो धरती पर इंसान का अस्तित्व मिटते देर नहीं लगेगी। पेड़ हमें ऑक्सीजन देने के अलावा फल और तपती धूप में छांव देता है। पेड़ के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ पेड़ इन तमाम चीजों के अलावा कुछ और भी हमें देते हैं? वो चीज है पानी। आप सोच रहे होंगे कि सभी पेड़ पौधे पानी को अपनी जड़ में बांध कर तो रखते हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जो अपने तने में पानी भर कर रखता है। अगर आपको प्यास लगी तो इस पेड़ के तने को थोड़ा सा काट दीजिए और लीजिए, फिर नल की तरह इस पेड़ से पानी निकलने लगता है। इसे पीकर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इसे पेड़ को साज, असना और आसन नामों से भी जाना जाता है। इस पेड़ की छाल बेहद ही मोटी होती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये पेड़ मुश्किल हालत में आपकी प्यास बुझा सकता है। सच भी है, वीडियो में देख सकते हैं कैसे लोग बारी बारी से न सिर्फ इसके पानी पीते हैं बल्कि अपने हाथ भी धोते दिखाई देते हैं। इस पेड़ का रहस्य अभी तक पता नहीं चल पाया है। फॉरेस्टर और बायोलॉजिस्ट भी अब तक इसके पीछे की वजह नहीं तलाश सके हैं। क्या देखे आप लोग? जी, नगर पंचायत स्थित पासिंग नर्सरी है, नगर पंचायत का। उसमें सैकड़ों पेड़ है। उस पेड़ में निरंतर दो दिनों से उस पेड़ के घाट से ऐसा फुहारे की तरह पानी निरंतर निकलते जा रहे हैं, मानो आसमान से बादल से पानी की व्यवस्था। मैं समझता हूँ उस पेड़ में और उस क्षेत्र अभी देवी देवताओं से नाम मशहूर है, हो सकता है उसमें देवी वहाँ सब वहाँ भी हो सकता है। वो अद्भुत है प्राकृतिक जो उसमें उस पेड़ में क्या पता नहीं क्या ऐसे है। उस हर गांव से खड़े हो गए ना तो आप वहाँ भीग जाओ, उस टाइप के पानी का निरंतर श्रवण हो रहा है। अरे नगर पंचायत देवकर, जो देवताओं की नगरी भी कहा जाता है, वहाँ आज सुबह से एक वृक्ष करण का वृक्ष है जिसमें पानी की बौछारे गिर रहा है कंटिन्यूस। तो हमको समझ नहीं आ रही क्या देवी शक्ति है या कुछ और। वैसे भी हमारे देवकर में तरह तरह की कई घटनाएं भी हो चुका है। आज से इसी क्षेत्र में 15-20 साल पहले नाग नागिन का जोड़ा भी देखा गया था। वहाँ अनवरत मिलाएं भी लगता था। इस कारण हमको समझ नहीं आ रहा है क्या देवी शक्ति है या कुछ और। छोटे छोटे चिड़िया घुमाते मंडराबाद में चिड़िया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।